हलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई पाठशाला दिस इज सॉल्यूशन वॉल्यूम थ्री दो वॉल्यूम्स में मैंने लेक्चर दिया है डिलीवर किया है कंटेंट बताया कि चैप्टर में क्या है इस वॉल्यूम में हम लोग एन सी आर टी के क्वेश्चंस करेंगे जो रिपीटेड हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे लेट अस स्टार्ट ये एन सी आर टी बुक के क्वेश्चन डैम इम्पॉर्टेंट वेल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ सी टू एच सिक्स ओ टू ये इथाइलिन ग्लाइकोल ही है बायोस इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि ट्वेंटी परसेंट आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है सी टू एच सिक्स ओ टू राइट और इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का कैसे निकालेंगे पहले हम फार्मूला पुट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेल इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है ट्वेंटी परसेंट का मीनिंग होता है कि ट्वेंटी ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है रेस्ट बीइंग वाटर हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस करो तो एटी आएगा तो एटी ग्राम कौन है वाटर वेल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है गिवन मास अपऑन मोलर मास अब मोलर मास इसके फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं टू कार्बन्स आर देर, ट्वेंटी फोर सिक्स हाइड्रोजन हो गया टू ऑक्सीजन है थर्टी टू तो ये कितना हो जाएगा आपका सिक्सटी टू सिक्सटी टू मोलर मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स आर ट्वेंटी बाई सिक्सटी टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर 80 अपॉन एटीन वाई एटीन बिकॉज वाटर हैज़ फार्मूला एच टू ओ इट्स मोलर मास इज एटीन तो आप इसकी जगह पे अब आप मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं वेल यू विल राइट डाउन ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी टू अपॉन ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी टू प्लस एटी अपॉन एटीन बस इसे आप सॉल्व कर लो और आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी मोलारिटी इज द बड़ा एम ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग फाइव ग्रैम एनिवेच इन फोर फिफ्टी एम एल ऑफ सोल्यूशन मोलेरिटी वी हैव टू कैलकुलेट पुट द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मास अपॉन मोलर मास दीज टू टर्म्स आर फॉर सोल्यूट इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इज द फॉर्मूला दिस वी हैव टू कैलकुलेट गिवन मास सी सोल्यूट का मास कितना है फाइव ग्राम वेल वी विल पुट हीयर फाइव और एन एच था एन एवेच का मूलर मास तो फार्मूले से कैलकुलेट होगा फोर्टी इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है ये आपका फोर फिफ्टी एम एल तो यहाँ पे आप लिख देंगे फोर फिफ्टी एम एल लो आपकी मोलैरिटी आ गई वॉट एवर आंसर विल बी दायर उसके पीछे आप एम लिख देंगे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैलिटी स्टैंड फॉर छोटा एम मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है वेल well, हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ टू पॉइंट फाइव ग्राम इथेनोइ एसिड इन सेवेंटी फाइव ग्राम ऑफ बेंजीन वेल मुलेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू थाउजेंड अपॉन बड़ा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वेट ऑफ सॉलवेंट राइट छोटा डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट इट्स वेरी क्लियर सोल्यूट का वेट टू पॉइंट फाइव ग्राम दे रखा है सॉलवेंट का वेट सेवेंटी फाइव दे रखा है मोलर मास तो शक्ल से पता चलता है इट्स मोलर मास इज सिक्सटी Uh, 12 प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टी टू प्लस वन सिक्सटी आ जाएगा सो मुलालिटी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अपॉन सिक्सटी इन टू थाउजेंड अपॉन सेवेंटी फाइव बस आप इसको सॉल्व कर लो वॉट एवर इज़ द आंसर उसके आ गया आप मुलालिटी लगा देना यानी कि मोलल इतने मोलल आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसने बोला मास परसेंटेज निकालो बेंजीन की जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स वेट बोला तो सॉरी मास है तो मास परसेंटेज वेट ऑफ बेंजीन ऊपर आएगा और दोनों का वेट अगर तीन होते तो तीनों का आता तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी यानी कि बेंजीन है ए को आप सी सी एल फोर मान लो दोनों का वेट नीचे आएगा जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका वेट ऊपर आता है इंटू हंड्रेड सेंट का मतलब हंड्रेड होता है तो परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन कितना है ट्वेंटी टू उसको हम ऊपर रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन है ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी टू यानि कि वन फोर्टी फोर आ जाएगा इंटू हंड्रेड बस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ये टू पॉइंट टू सेम वही है जो फर्स्ट हम कर चुके हैं मैं नहीं करवा रही अब हम चलते हैं आपके टू पॉइंट थ्री क्वेश्चन पे टू पॉइंट थ्री क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेट द मुलेरिटी मुलेरिटी इज द बड़ा एम थर्टी ग्राम ये वाली चीज इज दिस डिजोल्ड इन फोर पॉइंट थ्री लीटर ऑफ द सोल्यूशन ओके इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे वी विल पुट द फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला पुट करेंगे मुलेरिटी का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इन टू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर वेल थर्टी ग्राम दे रखा है ये सोल्यूट का मास है मूलर मास हम यहाँ से निकालेंगे कोबाल्ट का फिफ्टी एट पॉइंट नाइन होता है आप इसको फिफ्टी नाइन समझ लो नाइट्रोजन टू टू इन नंबर एक का 14 होता है ट्वेंटी एट हो जाएगा ऑक्सीजन थ्री है फोर्टी एट ट्वाइस है तो फोर्टी एट आ जाएगा सिक्स वाटर है ये भी ऐड करना है एक वाटर का एटीन होता है तो सिक्स का कितना होता है वन जीरो एट ये ऐड कर देंगे हम लोग ये आ जाएगा ट्वेंटी uh, फोर और नाइन थर्टी थ्री थ्री फाइव थ्री एट टू टेन फोर फोर्टीन और फोर एटीन और साथ में वन जीरो एट ऐड कर दो टू नाइन्टी वन आ जाएगा तो यहाँ पे आप टू नाइन्टी वन कर लेना और ये ख़ुद भी चेक कर लेना मैथ्स uh, में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है चांसेस बिल्कुल होते हैं तो आप ख़ुद से भी चेक कर लेना इन टू थाउजेंड अपॉन हियर फोर पॉइंट थ्री लीटर इज़ रिटर्न बट वी हैव टू टेक इन एम अगर हम लीटर में लेंगे तो थाउजेंड नहीं लगेगा बट चलो फॉर्मूले का थाउजेंड याद करा हुआ तो वैसे ही करो फोर्टी थ्री हंड्रेड मिली लीटर बस आप इसको सॉल्व कर लो नेक्स्ट पार्ट है थर्टी एम एल जीरो पॉइंट फाइव मोलर एस टू एस ओ फोर डायल्यूटेड टू फाइव हंड्रेड एम एल कहता है हमें मोलैरिटी निकालनी है वेरी सरप्राइजिंग मोलैरिटी तो दे रखी है अगर मोलैरिटी दे भी रखी हो और पूछी भी हो तो फार्मूला ये इस्तेमाल नहीं होगा जो मैंने लिखा था फार्मूला होगा एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू सी वी वन एम वन इज गिवन जीरो पॉइंट फाइव इन टू थर्टी इज इक्वल टू एम टू निकालना है और इन टू वॉल्यूम है फाइव हंड्रेड बस आप ये सॉल्व कर लेंगे वेरी सिंपल ओके सोल्यूशंस आप अपने आप करेंगे क्योंकि वो करूँगी तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगी कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग टू पॉइंट फाइव किलोग्राम ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मोलल सोलूशन मोलल सम हिंट इज गिवन की मोलेलिटी वाला क्वेश्चन है राइट पहले फॉर्मूला लगा दो सीधा गिवन मास मोलर मास इन टू थाउजेंड अपॉन बड़ा डब्ल्यू फाइंड आउट मुलालिटी गिवन है ओके मास ऑफ यूरिया टू बी कैलकुलेटेड फाइन इसका मोलर मास फोर्टीन और टू और टू फोर कार्बन का ट्वेल्व उसका सिक्सटीन ये आ जाएगा आपका फोर फोर एट टू टेन और सिक्स सिक्सटीन थ्री और फोर फोर्टी सिक्स इसका मोलर मास आ गया आपका फोर्टी सिक्स एक फोर्टीन और भी है मेरे ख्याल से हाँ एक फ़ोटीन और भी है ये नाइट्रोजन टू इन नंबर थे ना वन हमने काउंट किया है तो ये आ जाएगा आपका सिक्सटी सिक्सटी मोलर मास है इन टू थाउजेंड ये किसका वेट है ये है वेट ऑफ सॉलवेंट तो टू पॉइंट फाइव किलोग्राम क्या है सोल्यूशन है तो यहाँ पे सोल्यूशन का मास हम नहीं लिख सकते सोल्यूशन का मास है 2500 ग्राम 2.5 किलोग्राम 2500 ग्राम के इक्वल होता है और माइनस आप लगा देंगे W माइनस डब्ल्यू क्यों किया क्योंकि सोल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तभी तो सॉल्वेंट का वेट आएगा तो ये W हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया बस आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके छोटा W कैलकुलेट कर सकते हो वेल नेक्स्ट क्वेश्चन टू पॉइंट फाइव कैलकुलेट छोटा एम बड़ा एम एंड एक्स मूल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ़ द डेंसिटी ऑफ ट्वेंटी परसेंट एक्व सोल्यूशन इज वन पॉइंट टू जीरो टू वाट इज गिवन पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सी वेट इज़ गिवन ट्वेंटी ग्राम कैसे पता चला ट्वेंटी परसेंट का मतलब ट्वेंटी ग्राम बड़ा डब्ल्यू कितना है एटी ग्राम हाउ डू यू कम टू नो बिकॉज ट्वेंटी परसेंट मीन्स जो सोल्यूट होता है वो ट्वेंटी ग्राम है रेस्ट इज सॉल्व तो बड़ा डब्ल्यू ये आ जाएगा ओके और डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर और के आई का मोलर मास कितना है दोनों को ऐड करेंगे 39 नाइन पोटाशियम का आयोडीन का 127 तो ये 166 हो जाएगा वेल अब हम सारे फार्मूले पुट करेंगे पहले हम करेंगे छोटे एम वाला W अपॉन एम इंटू थाउजेंड अपॉन बड़ा W वेल छोटा W 20 ग्राम है मोलर मास 166 सिक्सटी अपॉन बड़ा W 80 आ जाएगा लो आपकी मोलैरिटी हो गई नाउ वट अबाउट मोलैरिटी बड़ा एम यू नो इफ यू हैव वॉस्ड माई वीडियो फर्स्ट वॉल्यूम उसमें मैंने मोलैरिटी का एक फौर, और फार्मूला बताया डायरेक्ट परसेंटेज इंटू टेन इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एब्सोल्यूटली वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा आपके लिए तो एम इक्वल टू परसेंटेज वॉज ट्वेंटी इट वॉज गिवन इन द न्यूमेरिकल टेन ऑफ द फॉर्मूला डेंसिटी वन पॉइंट टू जीरो टू इज गिवन एंड द मोलर मास इज़ वन सिक्सटी सिक्स लो आपकी मोलरिटी भी आ गई तो वाट अबाउट द मोल फ्रिक्शन जिस का मोल फ्रिक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और बाकियों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे राइट सो मोल फ्रिक्शन ऑफ के आई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास वेल के आई का गिवन मास ट्वेंटी है मोलर मास वन सिक्सटी सिक्स है नीचे भी गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस वाटर कितना है एटी है एटी अपॉन एटीन अपॉन एटीन क्यों किया बिकॉज मोलर मास ऑफ वाटर इज एटीन बस आप इसको सॉल्व कर लो कितने सिंपल नूमेरिकल्स हैं और कभी भी नूमेरिकल देख के ना एकदम से वाइब्रेशन तेज नहीं करनी अपनी टेंशन नहीं लेनी आपने सिंपली स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा फॉर्मूला लगाओ सामान ढूंढो अप्लाई करो हो गया बस मेक श्योर यूनिट्स का ध्यान रखना होता है लीटर मिलीलीटर, इसका ध्यान रखना होता है नथिंग एल्स वेल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं वेल नेक्स्ट पेज पे है एन टू गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट टू नाइनटी थ्री का हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ गैस वुड डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर एज्यूम दैट एन टू अ पार्शियल प्रेशर ऑफ जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन बार गिवन हैनरीज ओ थैंक गॉड हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट से ये पता चल जाता है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा फार्मूला अप्लाई होगा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इन टू एक्स वाला अब ढूंढो क्या निकालना है इट इज गिवन एज सच ये इट इज गिवन इन किलो बार बट प्रेशर इज़ गिवन इन बार तो किलो बार को बार में बदल लेंगे और ये दे रखा है तो इसकी जगह दे रखा है जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन और के एच गिवन इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट इंटू थाउजेंड थाउजेंड क्यों किया बिकॉज बोथ ऑफ दिस शुड हैव द सेम यूनिट ना इट इज़ गिवन बार फॉर प्रेशर एंड इट्स फॉर के किलो बार तो किलो को हमने थाउजेंड में कन्वर्ट कर लिया वेल आपका इंटू एक्स लगा दो तो एक्स वुड कम आउट टू बी जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन अपॉन सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट इन टू थाउजेंड तो ये इट्स गिवन मैंने यहीं से देख लिया है मैं अपना नहीं कर रही टेन टू द पार माइनस फाइव कर भी लोगे तो भी इतना ही आएगा वेल well, लेकिन हमें उसने पूछा ही नहीं कि मोल फ्रैक्शन बताओ बोलता है हाउ मेनी मिलीमोल्स मिलीमोल्स का मतलब है एक्स का फर्दर फॉर्मूला पुट करना है एक्स ऑफ नाइट्रोजन वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये होता है फार्मूला वेल well, दो बार है ये निकालना हमको यही है ना बेसिकली इतना मोल फ्रिक्शन इतना कम है तो इसकी कोई हैसियत नहीं है वाटर के सामने तो इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दो तो एक्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आया आपका वन पॉइंट टू नाइन इंटू टेन टू द पार सॉरी माइनस फाइव इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू वाटर के कितने मोल्स हैं बोलते है वन लीटर वाटर है अब वन लीटर वाटर जो होता है ना वन थाउजेंड ग्राम के इक्वल होता है बिकॉज डेंसी ऑफ वाटर इज़ वन तो आप इसकी जगह पर लिखेंगे थाउजेंड अपॉन एटीन वाई एटीन बिकॉज द मूलर मास ऑफ वाटर इज एटीन अब ये फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा फिर दोबारा क्वेश्चन देखो अरे यार उसने मिली मोल्स पूछा है मोल्स नहीं पूछा है सिंपल जो भी आंसर आएगा उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके पीछे लिख देना मिली मोल्स डन हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया हमने ये देखा कि कौन सा फार्मूला लगेगा फार्मूला लगा दिया फिर हमने सामान ढूंढा, अप्लाई कर दिया बस करते करते अपने आप न्यूमेरिकल होता चला जाएगा ओके okay. नेक्स्ट है आपका ये जो सी ओ टू वाला है ये बिल्कुल सेम है उससे मैच करता है इसने क्वांटिटी पूछी है ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल के तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना वहाँ थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया था मिली मोल्स आ गया था सेम टू सेम न्यूमेरिकल है अब चलते हैं इस न्यूमेरिकल पे 2.6 पे ये 2.6 वाला हमें क्या कहता है H2S टॉक्सिक गैस है और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में एस पर है 0.195 पॉइंट वन नाइन मोलालिटी हेनरीज कॉन्स्टेंट निकालो इट मीन्स फार्मूला तो यही लगेगा के एच इन टू एक्स नाओ द प्रॉब्लम इज ना तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है और ना ही पार्शियल प्रेशर दे रखा है सॉल्युबिलिटी दी और हमको बोलता है के एच निकालो वेरी सिंपल अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ मैंने एक्स और एम के बीच में रिलेशन बताया है मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी हाउ द फॉर्मूला वॉज मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव इफ वाटर इज द सॉलवेंट एंड हियर वाटर इज द सॉलवेंट अगर सॉलवेंट कोई और होता तो फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव नहीं लगेगा उसका लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एनी वे तो एक्स कितना है ज़ीरो पॉइंट वन नाइन फाइव अपॉन जीरो पॉइंट वन नाइन फाइव प्लस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव लो जी आपका एक्स आ गया तो पार्शियल प्रेशर कितना है उसने बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि जो प्रेशर है वो आपका है वन एटमॉस्फेयर आंसर इसका भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे वन इक्वल टू तो के एच इन टू ये वाला फैक्टर बस आप के एच निकाल लेंगे आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा डन हो गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रॉल्ट्स लॉ से रिलेटेड है ये देखो रॉल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉम सी एच सी एल थ्री एंड डाई क्लोरोथेन सी एच टू सी एल टू एट टू नाइनटी एट 200 टू हंड्रेड एम एम

मीन्स ये मान लो हमने क्लोरोफॉम और डाई क्लोरो को एक बीकर में डाल दिया और हम वेपर प्रेशर टोटल देखना चाहते हैं क्या आएगा अच्छा पी एस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इन टू एक्स ए इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इं टू एक्स बी अब ये सारा सामान यहाँ से ढूंढ के यहाँ पुट करना है पी एस इक्वल टू पी नॉट कितना है गिवन टू हंड्रेड क्या हम यूनिट चेंज करेंगे नो no, क्योंकि दोनों का सेम सेम है अगर एक का डिफरेंट होता तो हम लोग करते दोनों का एम एम एच जी है तो क्या फ़र्क पड़ता है आंसर भी एम एम एच जी में निकाल देंगे इन टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन हमने ए इसको माना है ये मान के चलना मैं बी और ए लिख रही हूँ ना वो माइंड में क्लियर होना चाहिए नीचे लिखेंगे लेंदी हो जाएगा क्लोरोफाम और ये अब हमें क्या करना है एक्स ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि क्लोरोफॉम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस पी नॉट बी फोर फिफ्टीन है हमारा एक्स बी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ से जो आंसर आएगा ना तो वन माइनस एक्स ए कर देना वो हम पुट कर देंगे अच्छा ये कैसे आया पी एस इज इक्वल टू टू हंड्रेड इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का मास कितना है गिवन मास ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव और इसका मोलर मास कितना होता है वन वन नाइन पॉइंट फाइव होता है आप कैलकुलेट आप भी कर लेना तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव अपॉन वन वन नाइन पॉइंट फाइव नीचे एक बार तो इसका आएगा पॉइंट फाइव प्लस दूसरा कौन है आपका फोर्टी ग्राम डाइक्लोरोन इसका मोलर मास एटी फाइव होता है तो फोर्टी अपॉन एटी फाइव आ जाएगा हो गया कैलकुलेट प्लस फोर फिफ्टीन इंटू इसका आंसर आप निकाल लेना पहले वन में से माइनस करके और यहाँ पे पुट कर देना बस आप सॉल्व कर लेंगे इसे कितना सिंपल है हम मैं अलग अलग नहीं करती नंबर ऑफ मोल्स निकाला फिर पुट करो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता अब आपको सिर्फ क्या रह गया सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई अब ये तो नहीं ना कि ये पुट करो वो पुट करो वो कैलकुलेट करो तो हमने इकट्ठा कर दिया शॉर्टन कर दिया मैंने वेल well, नेक्स्ट है उसने बोला वेपर प्रेशर इन द सॉरी मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज निकालो यानी कि वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म भी निकालो वेपर मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस का फॉर्मूला क्या होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर आएगा नीचे टोटल प्रेशर आएगा अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉम क्या है इस पूरे को बोलते हैं ये वाला फैक्टर ऊपर आएगा और जो आपका आंसर निकलेगा वो नीचे आएगा दूसरे का निकालने के लिए वन में से माइनस कर दो जैसे सी एच टू सी एल टू है वन माइनस वाई सी एच सी एल थ्री हो जाएगा सिंपल अब आप यह मत सोचना कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊं मैं कुछ तुम भी तो करोगे वेल नेक्स्ट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो बार A non volatile non electrolyte solid. Well, very important thing I am going to tell you whenever vapor pressure wala numerical is there, right? Two things are there either the formula Pa plus Pb will be used or the formula POSPO will be used, as I have told you in my first video, first volume. इन दोनों में से कोई फार्मूला लगेगा हमें कैसे पता चलेगा ये वाला फार्मूला लगेगा या ये, ये वाला फार्मूला लगेगा वेन एवर नॉन वोलाटाइल शब्द लिखा हो तो ये वाला फार्मूला लगा हो या वाटर के अंदर यूरिया डिज़ोल्व किया हो ग्लूकोज डिज़ोल्व किया हो सुक्रोज किया हो या एज सच नॉन वोलाटाइल लिखा हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा अगर दोनों लिक्विड हैं दोनों के वेपर प्रेशर की बात की गई है तो ये वाला फार्मूला लगेगा अब यहाँ पे हिंट वॉज डायरेक्टली गिवन विच हिंट वॉज गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो आर नॉन वो लैट इट्स रिटर्न ऑलरेडी सो द फार्मूला पॉजो वाला लगेगा वेइंग जीरो पॉइंट फाइव ग्राम वेन एडिड टू थर्टी नाइन पॉइंट नाइन ग्राम बेंजीन मूलर मास सेवेंटी एट है तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इतना हो गया हमें कहता है मूलर मास निकालो इट्स वेरी सिंपल हम कैसे करेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे पॉस्पो वाला इसका मीनिंग क्या होता है एक्स बी की जगह मैं लिख रही हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी वेल एन बी हमने लिया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट नॉर्मली हम बी जो है ना सोल्यूट के लिए यूज़ करते हैं मैं जहाँ भी बी बोलूँगी इट मिस आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूट पो वट इज़ द प्योर वेपर प्रेशर जीरो पॉइंट एट फाइव ज़ीरो लिखो जीरो पॉइंट एट फाइव ज़ीरो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जीरो पॉइंट एट फोर फाइव फिर नीचे प्योर का आ जाएगा जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो ये फैक्टर हो गया इसको इसके इक्वल कर दो किसके मोल फ्रैक्शन अब बी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है और वेट कितना है ज़ीरो पॉइंट फाइव अपॉन मोलर मास मैंने एम क्यों लिखा वही तो कैलकुलेट करना है अपॉन जीरो पॉइंट फाइव अपॉन एम प्लस सॉल्वेंट है 39 थर्टी नाइन ग्राम और मोलर मास है सेवेंटी एट थर्टी नाइन अपॉन सेवेंटी एट आप इसको सॉल्व कर लो ये इसके इक्वल आ जाएगा वेल आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग जब हमें मोलर मास निकालना हो तो नीचे हम इग्नोर भी मार सकते हैं जब ये बहुत कम होता है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप इग्नोर नहीं करोगे न्यूमेरिकल लेंदी हो जाएगा आंसर तो फिर भी आ जाना है या आपकी हिम्मत है कि आप कैसे करते हो ठीक है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि दो जगह होगा तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वन किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल जब बॉयल शब्द दे रखा हो ना तो आपने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मुलालिटी अब आपने नुमेरिकल से घबराना नहीं है नुमेरिकल में से हिंट निकाल लो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा दैट्स इट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मुलालिटी को ओपन कर लेते हैं इंटू थाउजेंड अपॉन बड़ा डब्ल्यू वॉट इज द स्टेटमेंट अबाउट क्या निकाला उसने 18 ग्राम ग्लूकोज यानी कि छोटा डब्ल्यू एटीन है वन किलोग्राम बड़ा डब्ल्यू है एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल पहले हम एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट तो लगा दें कि बॉयलिंग पॉइंट बड़ा कितना है वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री बार ये तो प्रेशर है कहीं इसका कोई काम ही नहीं है छोड़ दो केबी फॉर वाटर इज़ीरो पॉइंट फाइव टू केलविन किलोग्राम पर मोल मेक श्योर ये किलोग्राम पर मोल में होना चाहिए तो है इट्स गिवन इसका यूनिट है ये कैलविन किलोग्राम पर मोल सो डेल्टा टी बी कैलकुलेट करेंगे के बी इज़ वन ज़ीरो पॉइंट फाइव टू छोटा डब्ल्यू एटीन मोलर मास जो है इसका आएगा वन एटी ग्लूकोज का इन टू थाउजेंड अपन बड़ा डब्ल्यू एक किलो इस किलो को भी ग्राम में बदल लो लो आपका आ गया ये टेन तो डेल्टा टी बी आ गया जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव टू वो बाय चांस कट रहा था तो मैंने सॉल्व कर दिया मुश्किल होता तो फिर आप अपने आप करते रहते ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है बट उसने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है खुद सोचो वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हंड्रेड डिग्री सी होता है इतना ग्लूकोज डालने पे बढ़ गया तो हो कितना गया सिंपल जब भी बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए आपसे टी बी बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे हंड्रेड प्लस जो भी डेल्टा टी बी आया है उसको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव टू वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना 1.80 पॉइंट एट जीरो ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिजॉल्ड इन नाइन्टी ग्राम द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू इतना पहले बॉइलिंग पॉइंट इतना था बढ़ के इतना हो गया दोनों का डिफरेंस निकाल लो डेल्टा टी बी आ जाएगा कहता है कैलकुलेट मोलर मास के बी गिवन है एवरी थिंग इज गिवन डेल्टा टी बी भी दे रखा है अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ के बी इज़ गिवन डब्ल्यू इज गिवन मोलर मास यू हैव टू कैलकुलेट बड़ा डब्ल्यू भी दे रखा है नाइन्टी सिंपल ओके ये हो जाएगा सेम सेम टाइप के हम नहीं कर रहे नेक्स्ट है फोर्टी फाइव ग्राम सॉरी फोर्टी फाइव ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल सी टू एच सिक्स इज मिक्सड विद सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन वेरी सिंपल वेन एवर द टर्म फ्रीजिंग पॉइंट इज देयर फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मोलैलिटी बस हमें हिंटी तो पकड़ना होता है डिप्रेशन पूछे पहले फार्मूला लगा दो सामान बाद में ढूंढेंगे टेंशन नहीं लेनी है हमने बिल्कुल भी तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू अस ओपन द मोलैलिटी फाइन डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है के एफ आ, उसने नहीं दिया है बट वाटर है ना ये ग्लाइकोल को वाटर में डाला है हमने हम्म इसका के फिक्स होता है वन पॉइंट एट सिक्स